ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਖਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फतेह बाजवा साहब पूछना चाहवांगे बहुत वड्डा मुद्दा है जेलां नू लेके जिहड़े हुण तमाम खुलासे हो रहे ने दावे तो बहुत सरकारां ने कीते ने पर तुहाडे कोलों पूछना चाहवांगे प्रेजेंट सिनेरियो लॉ एंड ऑर्डर दा तुसी की देखते हो इस समय पंजाब दे विच। देखो जी बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तुसी जिस दिन तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तुसी लगातार देख लो हर रोज़ कतल हो रहे ने हर रोज़ डाके पै रहे ने रेप दे केसेस हो रहे ने और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा इन्हां नूं। सारे नूं वड्डी गल जिहड़ी तुसी सवाल हुण जेलां दा कीता जेलां दे विच एक दिन इन्हां दे जिहड़े जेल मिनिस्टर ने हरजोत बैंस जी उह गए जेडे उसे पटियाला जेल जिदे विच अपना सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठा जी मौजूद ने उथे वो अपनी जेल दे विच अपना टाइम काट रहे ने उस जगह ते सिर्फ जान दा एक पोलिटिकल एजेंडा सी कोई इन्हां नूं उस मैनूं दसो कि जेलां दे विच मोबाइल फोन अंदर जाने बंद हो गए कि जेलां दे विच जिहड़ियां चीज़ां कोई ड्रग्स जानियां बंद हो गईयां। लोग तो यह कहते ने भी जेकर तुहानू जिहड़ा ड्रग बाहरों नहीं मिलता वह तुहानू जेल दे विचों उपलब्ध हो जाता है जी। ये चीज मैं नहीं कह रहा ये चीज लोग कह रहे ने और तुहाडी मीडिया नू इस दे बारे चंगी तरह पता है। ये मैं समझना भी चलो ठीक है लोगों ने सरकार बनाई नवे खून नवा नौजवान नू मौका मिलिया है सेवा करन दा बट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल सैकेंडली दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। मैं समझना भी जेलां दे विच जिस तरीके ना तुसी देखो काली चंडीगढ़ दे नज़दीक अपना आर डी एक्स दा तुहानू नाल एक डेटोनेटर मिलता नाल आर डी एक्स दा उत्थों मिलता है एक दूसरी जेल दे बाहर भी कितें होया मैनू पता नहीं भी कि पंजाब की स्थानक जेल है पर जे ये काम अज आर डी एक्स जेलां दीआं दीवारां दे नाल मिलने शुरू हो गए ते जिन्ने ड्रेडेड टेररिस्ट और गैंगस्टर्स जेलां च बैठे ने अगे तुहानू पता बुड़ैल जेल दी पहले भी जेल ब्रेक हुई सी और इत्थों जेल चो भज गए सी सारे ड्रेडेड टेररिस्ट जिहड़े सी ये हालात फिर दोबारा पैदा हो रहे ने दे आर फाइंडिंग द गैंगस्टर्स और टेररिस्ट दे फाइंडिंग इट अ वीक गवर्नमेंट जिन्हों तुसी टैकल कर सकते क्योंकि उन्हां दे एक्सपीरियंस ही है नहीं। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भी क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट हैगी है और बॉर्डर स्टेट दे विच जिस तरीके नाल ड्रोन्स और ड्रोन्स राही वेपन्स और ड्रग्स पंजाब दे विच सुट्टे जा रहे ने मैनू खदशा भी ये हालात किते बद तो बदतर ना हो जाण जी। इहदे विच सेंटर सरकार नू जरूर इस दे उत्ते अपनी निगाह ते अख रखनी चाहीदी है और मैं समझांगा भी निरे जुमलेबाजी गल्लां करन नाल लोग आपा अपनी सरकार दा जेड़ा असल फेस ओ नहीं शो कर सकदे जी। काम करके दिखाओ तुहानू नजर आए भी इत्थे इत्थे बहुत सख्ती हुई है कोई फोर टायर जेलां विच कोई सिस्टम बनाओ क्योंकि इन्हां दे कल परसों तुहाडी ही टीवी दे उत्ते मैं देखिया सी चैनल ते ਬੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਂਸਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਟੋਟਲ ਲੋਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ गैंगस्टर जिन्हों कह सकते हैं अमनदीप उन्हें अपनी नस वड़न की कोशिश की बाद विच उन्हों इलाज के लिए भर्ती करवाया गया तो उन्हों की लगता कि उसके अंदर कोई खौफ सी कोई डर सी कि उन्हों कोई मार देगा या उन्हों कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा कि सुरक्षा से सवाल खड़े होंगे ने कि हो सकता है इस पिछे कि क्यों जेकर चैकिंग चल रही है तो सब की चैकिंग होगी उसनों की इस गल का डर सी कि शायद उस कोलों कुछ पूछा जा रहा है यह मामला हो सकता है बिल्कुल जी ये तो जी पुलिस ही दस सकती है क्योंकि जेडे अंदर टैररिस्ट जेडे इन्हां दे कोई साथी गैंगस्टर्स दे मिलदे ने बाहर और वो अपने बयान च कोई चीज दसदे ने तो उहदे लई उन्हां नूं लिया के उन्हां दी इंटरोगेशन लई उन्हां नूं लियांदा जांदा है हो सकता कोई इस किस्म दे चीज तो उन्हां नूं कोई डर पा होवे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ इसे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि जेकर नशा जाता है या मोबाइल जाते हैं मंत्री साहब खुद जाते हैं पटियाले जेल दे विच चेकिंग करते हैं बड़ा लंबा अभियान चलता है उदों बाद विच आके मीडिया अगे जवाब दे दिता जाता है कि हुण जेलां दे विचों फोन नहीं मिलेंगे पर फिर फोन मिले ने फरीदकोट जेल दे विचों कल ही फोन मिले ने संगरूर दे विच राती हादसा जेल दे विच वापर गया सो जिम्मेदार किनू मानते हो मंत्री नू जो ही इज हैड ऑफ द फोर्सिस महकमा जिन्ना कोल है मैं समझना ही मस्ट स्टेप डाउन या तो यह बयान देना नहीं सी चाहिए भी जेलों में तुहानू अज तो बाद मोबाइल नहीं लभणगे तो जो मोबाइल लभ रहे ने काम चल रहा है तो फिर सारिया चीजा हो रही ने तो फिर एदा जवाब तो मंत्री साहब नू देना पेगा जी क्योंकि आफ्टरऑल उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली आके गल की भी असी गए हैं मैं बिल्कुल फोर्स नूं दसदा है भी वी मीन बिजनेस और सानू कोई भी एहो जी चीज जिहड़ी जेल विच नहीं वापरनी चाहीदी ना मोबाइल ना ड्रग कोई मिलना चाहीदा ना मिलेगा अज सारा कुछ मिल रहा जी जी ते आई थिंक मंत्री साहब नूं ईदर ही शुड स्टेप डाउन या भगवंत मान जी नूं इह महकमा अपने को लै लैण ते आप उहदी जरा तहकीकात करन फिर वेखो शायद कोई चीज बच सके बिल्कुल मैनू लगदा नहीं मैनू लगदा नहीं बड़ी जिहड़ी सरकार है ना बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा भी मैं पोलिटिकल ओपोनेंट होने के नाते मैं कह रहा मैं अज पंजाब लई कंसर्नड आ भी जिस तरीके ना पंजाब ते जिधर पंजाब चल पिया है तुसी देखो कोई दिन एक एहो जिहा है कोई दिन भी जिस दिन पंजाब दे विच कतल ना हुंदे होण गुंडे आ के रात नूं हथियार लैके लोगों के दरवाजे भांदे फिरदे ने लोग डरते सहमदे उस वातावरण विच रह रहे ने ते की किस किस्म दी सानू सरकार दे रहे ने कर्जे लै जा रहे ने कर्जिया दे उत्ते ओ कर्जे एडवरटाइजमेंटली बाहरले सूबियां दे विच वरते जा रहे ने ए सारा जवाब ए सरकार नू अजे लोग भी ये कहिंदे ने पोलिटिकल पार्टीज भी ये कहिंदियां ने भी 6 महीने इन्हां नू दे दो जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਕਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਣਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल समा देना चाहिए इस सरकार नूं बहुत वड्डे सवाल ने फतेहजंग बाजवा साहब तुसीं गलबात कीती है जी मीडिया दे नाल अपने विचार सांझे कीते ने इस खास मुद्दे नूं लैके धन्नवाद करना चाहांगे।